अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। पुणे में एक कारोबारी के आवास पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। और हो भी क्यों ना, दो राजनेता एक दूसरे से बिना वजह मिले ये तो हो ही नहीं सकता ना। इस सीक्रेट मीटिंग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल भी मौजूद थे। जब से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार की ये मुलाकात की खबरें सामने आई है, तब से ही महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें हैं कि अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को मोदी कैबिनेट का ऑफर दे दिया है। सोर्सेस के अनुसार अजीत ने अपने चाचा से कहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री या नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं सुप्रिया सूले और जयंत पाटिल को क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार में सुनियोजित किया जा सकता है, यानी एडजस्ट करवाया जा सकता है। वहीं इस मीटिंग को लेकर अजीत और शरद पवार दोनों ने ही कहा है कि अपने रिश्तेदारों से मिलने में कुछ गलत नहीं है। शरद पवार ने कहा, अजीत पवार मेरे भतीजे हैं, चाचा और भतीजे की मुलाकात को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। खैर, इस सीक्रेट मीटिंग को लेकर शिवसेना के संजय राउत ने भी एक बयान दे दिया है, पहले वो सुन लेते हैं। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, बार बार उनका जो कद और अवधाय बहुत बड़ा है। तो ये अजीत पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे, ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? संजय राउत के अलावा इस मीटिंग का जिक्र सामना, जो कि शिवसेना का एक मुखपत्र है, उसमें भी हुई और उसमें लिखा गया कि इस तरह की मीटिंग से लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है। और बात कई हद तक ठीक भी है, क्योंकि दो नेता बिना वजह एक दूसरे से तो मिलने से रहे, इस बात के हमारे पास कई प्रमाण है। क्योंकि याद करिए, कुछ महीने पहले महागठबंधन में शामिल शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस हम साथ साथ हैं का राग अलाप रहे थे। उस वक्त ही अजीत पवार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। मीडिया में सवाल पूछे जाने पर उस वक्त भी इस सीक्रेट मीटिंग को लेकर काफी बवाल मचा था। जब मीडिया ने अजीत पवार से इस मीटिंग को लेकर सवाल किए तो उन्होंने पहले तो मीडिया को अवॉइड किया था और बाद में एक कैजुअल मीटिंग कहकर सारी अटकलों को नकार दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, मीटिंग के एक ही हफ्ते बाद अजीत पवार ने अपने चाचा को धोखा दिया और बीजेपी के साथ मिल गए, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो अब चाचा भतीजे के बीच इस मीटिंग को लेकर अटकलें लगना बनती हैं। हो सकता है महाराष्ट्र में एक और बड़ा सियासी भूचाल आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।